प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के एसआर के कॉलेज में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षण संस्थान के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह 22 व 23 फरवरी का मनाने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल एवं निशंक अति विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर दिनेश शर्मा, सांसद डॉक्टर अनिल जैन एवं कार्यक्रम अध्यक्ष कुलपति डॉक्टर भीम अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा प्रोफेसर अशोक मित्तल शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जी के शर्मा सह सचिव प्रबंध समिति एसआर के महाविद्यालय एवं प्राचार्य प्रभाष्कर राय ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि एसआर के शिक्षण संस्थान अपनी शताब्दी समारोह 22 व 23 फरवरी को मनाने जा रहा है। शताब्दी समारोह के अवसर पर 22 फरवरी दोपहर 3 बजे सम्मान समारोह एवं भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन, विशिष्ट अतिथि महापौर नूतन राठौर, नगर विधायक मनीष सीजा, डॉक्टर मुकेश वर्मा विधायक सुखावत रहेंगे। कार्यक्रम अध्यक्ष सेठ शशि प्रसाद गोइंग का सचिव प्रबंधक एसआर के शिक्षण संस्थान करेंगे। वहीं अमृत महोत्सव का आयोजन 23 फरवरी को प्रातः 11 बजे सेठ माधव प्रसाद गोइंग का स्टेडियम एसआर के कॉलेज पर किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल, निशंक अति विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर दिनेश शर्मा, सांसद डॉक्टर अनिल जैन एवं कार्यक्रम अध्यक्ष कुलपति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा प्रोफेसर अशोक मित्तल के द्वारा सरस पत्रिका का विमोचन किया जाएगा। फिरोजाबाद से सौरा सिंह, जिला संवाददाता की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता ये प्रेस वार्ता एसआर के शिक्षण संस्थान के शताब्दी समारोह के आयोजन के उपलक्ष्य में रखी गई है। इस शिक्षण के संस्थान की स्थापना 1919 में उस समय हुई जब यहाँ पर कोई भी विद्यालय नहीं था। दानवीर सेठ कन्हैयालाल गोयनका जी ने 52 बीघा जमीन देकर के अपने निजी संसाधनों से एसआर सीबी हाई स्कूल की नींव रखी, जो 1939 में इंटरमीडिएट और कम समय में ही 1959 में यह डिग्री कॉलेज हो गया। फिर इसको 1965 में स्नातकोत्तर की मान्यता मिली और आज पूरे विश्वविद्यालय में यह रिसर्च का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। यह गर्व का विषय है कि शिक्षण संस्थान ने अपनी गौरवमयी यात्रा के 100 वर्ष पूरे किए। उस शताब्दी वर्ष के पूरे होने पर इस 22 और 23 को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 22 तारीख को कार्यरत और निवर्तमान शिक्षकों और कर्मचारियों का सम्मान होगा, साथ ही एक भजन संध्या रखी गई है। सभी भजन प्रेमियों से आग्रह है कि वे इस कार्यक्रम में आकर 22 तारीख को भजन संध्या का आनंद उठाएं। मुख्य कार्यक्रम 23 फरवरी को होगा, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी मुख्य अतिथि होंगे, साथ ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के कैबिनेट मंत्री दिनेश शर्मा जी अति विशिष्ट अतिथि होंगे। यह दुर्लभ संयोग है कि केंद्र और राज्य के दोनों शिक्षा मंत्री एक साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इस कॉलेज के पूर्व छात्र डॉक्टर अनिल जैन जी, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, वे भी विशिष्ट अतिथि होंगे। और ऐसा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति, जिन्होंने कल ही 19 फरवरी को कार्यभार ग्रहण किया है, संभवतः यह उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। हमारे इस कार्यक्रम के गौरव और कार्यक्रम के अध्यक्ष होंगे। कार्यक्रम के विवरण के साथ ये हमारे गणमान्य महानुभावों का उद्बोधन और शिक्षा जगत के लिए एक संदेश प्राप्त होगा। सर, इस कॉलेज को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ऐसे कितने राजनीतिक आईपीएस आईएएस कितने अधिकारी छात्र रहे जो आज तक रहे? हजारों की संख्या में है, जिसमें जिनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, डॉक्टर बीपी नीलरतन जी, राजीव वर्मा जी आईएएस, अरविंद शर्मा जी आईएएस, कई ऐसे जनप्रतिनिधि जिसमें डॉक्टर अनिल जैन जी, मनीष सीजा जी, रमेश चंचल, राकेश बाबू, ऐसे श्याम नंदन सिंह, जो पिछले 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रशिक्षण का काम देख रहे हैं, इस समय